नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो 75 दिन का हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसकी शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं हमने किया है भारतीय राज व्यवस्था से। तो भारतीय राज व्यवस्था का ये 7वां लेक्चर है। तो अभी तक कुल 6 लेक्चर भारतीय राज व्यवस्था से कंडक्ट हो चुके हैं, जो कि इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर के उन लेक्चर्स को देख लीजिए। एक क्रम से चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी बनाई है, जिसे कि काफ़ी मेहनत से और एग्ज़ाम की आवश्यकताओं को समझते हुए हमने बनाया है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन पीसीएस 2020 लिखकर आप 9569194 और 9506742546 पर हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक डेमो पीडीएफ भी जारी किया है। अगर आपको वो डेमो पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपात उपबंधों को, यानी आपात से जुड़े जो प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं, इमरजेंसी से जुड़े जो प्रोविजंस भारतीय संविधान में किए गए हैं, उसे इस लेक्चर में बड़े विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि आपात होता क्या है। तो देखिए, ऐसी स्थिति जो असाधारण हो, अचानक से पैदा हो जाए, जिसमें संविधान की जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें संचालित कर पाना संभव न हो, जैसे कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह आदि आदि। तो ऐसी स्थिति में जो संविधान की सामान्य योजनाएं हैं उन्हें संचालित नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है, स्थिति असाधारण है। तो साधारण जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके आधार पर जो है उन सब चीज़ों को नहीं चलाया जा सकता। अब यहाँ पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन सब स्थितियों पर विचार किया और इस नाते से ये आपात उपबंध भारतीय संविधान में डाला गया, इमरजेंसी का प्रोविजन डाला गया। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो ये जो आपात उपबंध है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 18 में किया गया है, XVII, ये रोमन में ही लिखा गया है संविधान में सारी चीज़ें। ठीक है, तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में इसका जो है जिक्र किया गया है, 352 से लेकर के 360 तक। अब ये जो प्रावधान है ये कहां से लिए गए हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के की अच्छी चीजों को एक ही दस्तावेज में इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, तो ये प्रावधान भी हमारी मौलिक सोच नहीं है, बल्कि इसे लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो अब यहाँ तुरंत आपके मन में ये आएगा कि अभी तक आपने तो ये पढ़ा था कि जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, आपात से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं, इन्हें तो वाइमर संविधान से लिया गया है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में बना था। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे लिया गया है। तो देखिए यहां पर आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो आपातकालीन प्रावधान है, प्रशासनिक जो विवरण है, ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुच्छेद 45 और 93 से, और
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, ये प्रावधान लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ये पक्का कर लीजिए कि केवल और केवल आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, उसको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, वो लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इन प्रावधानों को क्यों जोड़ा गया है, तो उसके बारे में लिखा गया है कि ये देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा आदि के उद्देश्य से इसको जो है जोड़ा गया है भारत के संविधान में। और इसका स्वरूप संघीय है। इसका स्वरूप क्या है? संघीय है भारत के संविधान का। हम पढ़ेंगे तो इसको जो है डिटेल में जानेंगे, वैसे भी आप जानते होंगे। तो भारतीय संविधान इसका स्वरूप क्या है? संघीय है, फेडरल है ये। लेकिन आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के पीरियड में इसका स्वरूप क्या हो जाता है? एकात्म स्वरूप ये अपना लेता है। ऐसे समय में अधिकारों को एक ही जगह होना चाहिए, जबकि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो ऐसे में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, बल्कि एकात्मक ढांचा होना चाहिए। उस स्थिति से निपटने के लिए सारा जो पावर हो वो एक ही जगह पर केंद्रित हो जाए। ठीक है, और भारतीय संविधान आपात उपबंधों को तीन भागों में बांटता है। ठीक है, अब हमारी यहां से मेन लर्निंग शुरू हो गई। ठीक है, अब बड़ा ही सुंदर सा चार्ट बनाया गया है जो कि आपको दिख रहा है। हम इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की, राष्ट्रपति शासन की और वित्तीय आपात की। तो जैसा कि वहां पर हमने लिखा था कि तीन भागों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आपात, जिसे हमें बड़े डिटेल में समझना है, राष्ट्रपति शासन, इसमें भी हमें बड़े गहराई में उतरना होगा, और उसके बाद अंत में हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की। तो अगर अनुच्छेद की बात करें कि किस में किसका जिक्र है, एक क्रम से चलें हम, तो अनुच्छेद 352 बात करता है राष्ट्रीय आपात की यानी नेशनल इमरजेंसी की, 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन की, और 360 जो अनुच्छेद है वो बात करता है वित्तीय आपातकाल की। देखिए ये जो राष्ट्रपति शासन है, इसे आपात इस शब्द से संबोधित नहीं किया गया है, इमरजेंसी इस शब्द से संबोधित भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपात भी कहते हैं, लेकिन आपात शब्द का प्रयोग जो है इसके लिए नहीं किया गया, और ना ही इन दोनों के अर्थों में यह आपात है। तो ये दिमाग में आप जो है बैठा लीजिए, जब हम नीचे एक एक चीजों को और पढ़ते हुए बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि किन आधारों पर ये आपात लगाए जा सकते हैं, यानी कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिन पर ये निर्धारित किया जाएगा कि अब देश में इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। तो अगर हम राष्ट्रीय आपात की बात करें, तो अगर युद्ध हो रहा हो किसी देश से, बाहर से आक्रमण हो जाए, और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, पहले जो मूल हमारा संविधान था उसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह लिखा गया था आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति को बदल करके क्या कर दिया गया है, यहां हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बदली गई हैं, वो उस पर भी हम आएंगे। तो आंतरिक अशांति मूल संविधान में लिखा था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो तीन परिस्थितियां हैं, तीन कंडीशंस हैं जबकि देश में नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। अब इसी प्रकार से हम देखें कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब इसमें मैं बड़े विस्तार में जाऊंगा, जब इसकी मैं बात करूंगा
इसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए हैं। अभी बस इतना आप समझें कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और ये वित्तीय आपात कब जो है घोषित किया जाता है, तो ये तब जब वित्तीय स्थायित्व अथवा साख का संकट हो, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी और जो है क्रेडिट पर संकट हो तब इसे घोषित किया जाता है वित्तीय आपात को। अब इतनी बात हमने कर ली, किस आर्टिकल में लिखा गया है यह बात कर लिया, और किन परिस्थितियों में इसे घोषित किया जाता है यह हमने कर लिया, देख लिया। अब बात करते हैं कि अवधि क्या है इनकी, ठीक है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय आपात है इसी पर आपको फोकस भी रहना है। जो राष्ट्रीय आपात है ये 30 दिन इसकी अवधि होती है, तो इसकी वैलिडिटी 30 दिन होती है यानी 1 महीने होती है। पहले क्या था, मूल संविधान में 2 महीने था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे क्या कर दिया गया, 1 महीने कर दिया गया 2 महीने के जगह पर। तो 30 दिन और 1 माह इसकी वैलिडिटी होती है। तो जैसे ही राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं कि देश में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति ऐसी कोई घोषणा यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा तभी कर सकते हैं जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना प्राप्त हो। लिखित में केंद्रीय मंत्रिमंडल लिख के दे कि आप नेशनल इमरजेंसी घोषित करिए, तभी वो कर सकते हैं, ठीक है। अपने मन से नहीं कर सकते और न ही प्रधानमंत्री के कहने पर कर सकते हैं और न ही मंत्रिमंडल के मौखिक कहने पर, टेलीफोन करने पर नहीं कर सकते हैं, वो लिखित में उनको चाहिए तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो घोषणा करते हैं, प्राक्लमेशन जिसे हम कहते हैं, इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, वैसे ही इसकी वैलिडिटी हो जाती है 30 दिन 1 महीने। अब 30 दिन 1 महीने वैलिडिटी तो इसकी हो गई। इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि इमरजेंसी के प्राक्लमेशन के बाद 30 दिन के अंदर जो उद्घोषणा है उसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि लोकसभा विघटित हो, लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या, तो ऐसी स्थिति में ये कि पहले तो राज्यसभा से पारित हो ही जाए। राज्यसभा हम जानते हैं कि अस्थाई निकाय है, उसका विघटन नहीं होता है, तो राज्यसभा से तो वो पारित ही हो जाए। जो उद्घोषणा है राष्ट्रपति की नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, वो राज्यसभा से तो पास ही हो जाए। और उसके बाद जब नई लोकसभा आए तो उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर वो पारित हो जाए। तो अगर दोनों सदनों से पृथक पृथक विशेष बहुमत से ये पारित हो जाए राष्ट्रपति की उद्घोषणा जो नेशनल इमरजेंसी के संबंध में है, तो इसकी वैलिडिटी कितनी हो जाएगी, 6 महीने। तो ये 6 महीने रहेगा। लिखा गया है दोनों सदनों के अनुमोदन यानी उन सदन ने जो है विशेष बहुमत से पारित कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति की ने जो उद्घोषणा की है ये ठीक है, इसे हम पास करते हैं। तो दोनों सदनों के अनुमोदन से 6 माह, इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक, तो 6 महीने इसकी वैलिडिटी हो जाती है। दोनों सदन इसे पास कर दें तो 6 महीने की इसकी वैलिडिटी हो जाती है। अब मान लीजिए कि आगे बढ़ाना है, नेशनल इमरजेंसी को आगे बढ़ाना है, तो यही सेम जो प्रक्रिया की गई है, यही प्रक्रिया लगातार करते जाइए हर 6 महीने पर। तो हर 6 महीने पे संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन लीजिए, वहां पर इस प्रस्ताव को पास कराइए और 6-6 माह तक बढ़ाते जाइए। तो अब ये प्रश्न है कि ये 6-6 महीने हम बढ़ाते जाएंगे तो कब तक बढ़ा सकते हैं, क्या इसका कोई एक निश्चित आधार है? तो इसका कोई निश्चित आधार नहीं है। अगर ये प्रक्रिया आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। कहीं कुछ नहीं लिखा है 2, 4, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, कहीं कुछ नहीं लिखा गया। बस ये लिखा गया है कि अनिश्चित काल के लिए आप बढ़ा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि इसकी जैसे ही राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की उसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 महीने है। 1 महीने के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों से पृथक पृथक
पास होना अनिवार्य है। अगर लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा से तो वो 30 दिन के अंदर पारित हो ही जाए, और जैसे ही नई लोकसभा आए उसकी प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर उसे पास होना होगा। अगर मान लीजिए ये दोनों सदनों का अनुमोदन इसको नहीं मिलता है तब क्या होगा, तब ये 30 दिन में समाप्त हो जाएगी। अगर दोनों सदनों ने इसे अपना अनुमोदन नहीं दिया तो क्या होगा, ये 30 दिन में समाप्त हो जाएगी। अब यहां दोनों सदनों से एक तात्पर्य जो मैंने आपको बताया कि अगर लोकसभा विघटित है तो उसकी नई लोकसभा के प्रथम बैठक से 30 दिन, ठीक है, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है और इसलिए एक एक बातें क्लियर करके मैंने आपको बताया। तो 6 माह रहेगा अगर दोनों सदन इस पर अपनी मुहर लगा दें, और ऐसे ही लगातार 6-6 महीने पर वो इसे पारित करते जाएं। और बहुमत की क्या जरूरत है, विशेष बहुमत की जरूरत है। तो बहुमत कितने प्रकार का होता है, मेजॉरिटी कितने प्रकार की होती है, ये पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, और वो इसीलिए पहले मैंने पढ़ाया था ताकि जब बार बार ये बात होगी पॉलिटी पढ़ते समय, विशेष बहुमत साधारण बहुमत, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेष बहुमत क्या है साधारण बहुमत क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो जा करके लेक्चर आप देखें ताकि आपकी ये क्लियरिटी हो जाए। तो इसे कहते हैं कि कुल जो सदन की सदस्य संख्या है उसका बहुमत, उसका मेजॉरिटी, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत यानी 2/3, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत। तो ये पूरा आप पिछले लेक्चर में जाएंगे तो ये पूरा है जिसमें कि हमने संविधान संशोधन की बात की है, उस लेक्चर में आप जाएंगे तो ये सब मैंने समझाया है, ठीक है। तो विशेष बहुमत से होना चाहिए। तो आप क्या जाने, आपने ये जाना है कि किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, किन परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है, इसकी वैलिडिटी कितनी होगी और ये कब तक जारी रह सकता है। इसके अलावा आपने जाना कि ये जो अनुमोदन हमने लिखा है ये किस बहुमत से होना चाहिए, तो ये विशेष बहुमत से होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मूलाधिकारों की बात करें कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर ये होता है तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक बात यह है कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है तो अनुच्छेद 19 प्रवर्तन में रहेगा, तब अनुच्छेद 19 प्रवर्तन में रहेगा। अनुच्छेद 19 कब जाएगा, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी घोषित की गई है तभी अनुच्छेद 19 जाएगा, नहीं अनुच्छेद 19 रहेगा, ठीक है। तो यह भी बात इसके साथ ही आपको समझ लेना है। तो राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है तो मूलाधिकारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, नील, कुछ नहीं होता। वित्तीय आपात में मूल अधिकारों पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इतने पैरामीटर्स पर हमने राष्ट्रीय आपात की बात कर ली, अब आगे भी इस पर हम बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 356 में, और परिस्थिति बताई गई है कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब इसकी घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब इसकी वैलिडिटी क्या होगी, तो जैसे ही राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे जिसे उद्घोषणा कहते हैं, तो 60 दिन और 2 माह इसकी वैलिडिटी होगी, कितनी होगी, 60 दिन या 2 माह इसकी वैलिडिटी होगी। अब अगर इसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा, और वही फिर बात सब में आ जाएगी कि अगर लोकसभा विघटित है तो प्रथम बैठक से 30 दिन वाला जो मामला है वो सब में लागू होगा, ये याद रखिएगा। तो अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाए, यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए, ये जो घोषित हुआ है राष्ट्रपति शासन, इसके प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए, तो इसकी वैलिडिटी कितनी हो जाएगी, 6 महीने, तब इसकी वैलिडिटी कितनी हो जाएगी, 6 महीने। लेकिन इसमें एक रूल और है कि अधिकतम ये 3 वर्ष से आगे नहीं बढ़ेगा, इस पर भी हमें काफी बात करनी है, तो अब आगे बात करेंगे शेष बातें। अब इसके लिए अनुमोदन के लिए बहुमत कैसा चाहिए, तो बहुमत साधारण चाहिए, साधारण बहुमत भी आप लोग समझ रहे होंगे कैसे है, उस लेक्चर में हमने डिटेल में बात की थी।
अब बात करते हैं वित्तीय आपात की, तो किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 360 में। कब लगाया जा सकता है, तो जब देश में वित्तीय स्थायित्व अथवा साख का संकट हो। कितनी वैलिडिटी इसकी होती है, 60 दिन की होती है, 2 महीने की होती है। अगर एक बार अनुमोदित ये हो जाए, यानी दोनों सदनों से अगर ये एक बार अनुमोदित हो जाए साधारण बहुमत से, तो ये अनिश्चित काल के लिए होता है, जब तक कि इसको राष्ट्रपति वापस न ले लें। तो इनमें डिफरेंस समझिएगा, ये भी अनिश्चित काल है राष्ट्रीय आपात, लेकिन इसके साथ क्या शर्त जुड़ी हुई है कि हर 6 महीने पर इसे दोनों सदनों का समर्थन चाहिए विशेष बहुमत से, तभी ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये भी अनिश्चितकालीन है, लेकिन 6-6 महीने पर इसे अनुमोदन की आवश्यकता लगेगी। ये क्या है, ये अनिश्चितकालीन नहीं है, ये 3 वर्ष इसका सबसे अधिक पीरियड है, उससे आगे इसको नहीं चलाया जा सकता। लेकिन पंजाब के मामले में उसके आगे भी चलाया गया था, 3 वर्ष से आगे भी चलाया गया था, क्योंकि वहां खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रहा था पृथक खालिस्तान बनाने के लिए, उस संबंध में, ठीक है। और ये क्या है, ये अनिश्चित काल है। लेकिन वित्तीय आपात में अंतर हम देखें तो इसको केवल एक बार अनुमोदित होना है। एक बार अगर अनुमोदित ये हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये चाहे तब तक चल सकता है, जब राष्ट्रपति से वापस लें तभी, ठीक है। अब ये पूरी बात समझ में आ गई, अब जो है आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 को हम समझना चाहते हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये जो प्रावधान मूल संविधान में इमरजेंसी से जुड़े हुए किए गए थे, उनको काफी बदला गया। क्योंकि अगर हम देखें यहां पर, तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। एक बार अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968, ये चीन के साथ युद्ध और इसी में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी निपट गया, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान दीजिए। ये किस कारण लगाया गया था, बाह्य आक्रमण के कारण इसे लगाया गया था। अब यहाँ एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण इमरजेंसी लगती है तो उसे हम कहते हैं बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल। और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लागू की जाती है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक आपात, क्या कहते हैं उसे हम, आंतरिक आपातकाल, ठीक है। तो अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 चीन के साथ युद्ध, ये बाह्य आक्रमण के कारण लगा था। दिसंबर 1971 से मार्च 1977 पाकिस्तान के साथ युद्ध, वो पूरा जो मामला था बांग्लादेश वाला, बाह्य आक्रमण, ये 2 कारणों से। लेकिन जब ये चल ही रहा था, ये इमरजेंसी जब चल ही रही थी बाह्य आक्रमण के द्वारा जो लगी थी, उसी समय 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इंदिरा गांधी ने आनन फानन में देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। और जब ये इमरजेंसी घोषित हुई, उस समय देश में एक इमरजेंसी चल रही थी जो बाह्य आक्रमण के लिए लगाई गई थी। लेकिन हम किसकी चर्चा केवल सुनते हैं, केवल और केवल इसी इमरजेंसी जो 1975 से 1977 में चली, क्यों इसकी ही चर्चा सुनते हैं, क्योंकि ये पहली चीज तो पर्याप्त इसके आधार नहीं थे इमरजेंसी लगाने के लिए। पूरी तरीके से दिखा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मनमर्जी पूर्ण तरीके से इस इमरजेंसी की घोषणा की है, कोई भी मंत्रिमंडल नहीं बैठा कि ये निर्णय हो कि देश में इमरजेंसी लगाना है, उन्होंने केवल राष्ट्रपति को फोन करके और ये कह दिया कि आप इमरजेंसी की घोषणा करिए। तो कोई मंत्रिमंडल कोई नहीं, सीधे सीधे इमरजेंसी देश पर लगाई गई। और इस दौरान जो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण जो पूरा वो लीड कर रहे थे, पूरा जो आंदोलन उस समय का चल रहा था, उनको भी उठा करके बंद कर दिया गया। तो इन 2 वर्षों के दौरान जितने भी पक्षी नेता रहे सब जेल के अंदर रहे, और बहुत ही मनमर्जीपूर्ण काम किया गया।
इंदिरा गांधी के द्वारा और उनके पुत्र संजय गांधी के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए ये जो इमरजेंसी रही ये काफी विवादित रही और यही कारण रहा कि जैसे ही इमरजेंसी हटा, चुनाव हुआ और जनता पार्टी सरकार में आई, मुरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन लोगों ने सबसे पहले ये काम करना शुरू किया कि ये जो संविधान में ऐसी चीजें हैं, क्योंकि देखिए जब हमारा संविधान बना तो उसमें जो लीडर्स थे वो कहीं ना ना कहीं आदर्शवाद से प्रेरित थे कि सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा ही होगा, शासन पर सब बढ़िया 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 लोग ही बैठेंगे। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आरक्षण संबंधी जब प्रस्ताव पेश हो रहा था संविधान सभा में, तो संविधान सभा के अंदर यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान सभा के बाहर ऐसे बड़े लीडर्स देश के जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ऐसे 225 लोगों का बयान इस प्रकार का था कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, तो 225 लीडर ये बोल रहे थे कि जिनको ये आरक्षण दिया जा रहा है वो 10 वर्ष बाद आएंगे और हमारे मुंह पर इस संविधान को मारेंगे और कहेंगे कि ये लो, ये बैसाखी तुम्हारी हमें नहीं चाहिए, ये तुम्हारी कृपा हमें नहीं चाहिए, ऐसे करके कई शब्द कई लोगों ने यूज किया। कुल मिला के उसका अर्थ ये था कि जिन लोगों को आरक्षण दिया गया है वो खुद ही आएंगे और आरक्षण हमारे मुंह पर मार देंगे कि हमको तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए, हम भी तुम्हारे प्रकार से समान हैं और हम भी तुम्हारे बराबर खड़े होकर के दिखा सकते हैं बिना आरक्षण के, ऐसी बातें कही गई। तो अभी क्या है, अभी हम देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई जाति समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। आरक्षण भारत में कभी ना छुआ जा सकने वाला एक मुद्दा बन करके खड़ा हो गया कि उसको कोई छू नहीं सकता, मतलब बेहतरी के लिए ही किसी भी प्रकार से उसको आप छू नहीं सकते। तो आदर्शवाद की बहुत सारी बातें थी, कहीं ना कहीं ये सारी बातें इन सब चीजों को समझने के लिए तो ये हुआ कि नहीं भैया, इस पर कई तरह के लोग बैठ सकते हैं, चुनाव के माध्यम से आना है और इसलिए इसमें जितने भी ढीले पुर्जे हैं जो अधिनायकवाद की स्थितियां पैदा कर सकते हैं देश में, कोई अधिनायकवादी आकर के देश पर अधिकार कर सकता है, उनको कसा जाए। तो पहले क्या किया गया कि आंतरिक अशांति को हटा दिया गया कि भैया आंतरिक अशांति, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है, इसका बहुत तरीके से अर्थ निकाला जा सकता है, तो आंतरिक अशांति का तो काम खत्म। क्या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आर्म्ड रिवोल्यूशन अगर होगा तभी और तभी आप जो है कर सकते हैं, आंतरिक अशांति कोई आधार नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी लगाने का, ठीक, ये किया गया। और क्या किया गया कि भैया फोन पर नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए तभी होगा, फोन कर देने से नहीं होगा। और क्या किया गया कि आपात की उद्घोषणा का संसद से अनुमोदन का जो समय था पहले 2 महीना, आप देखें, आप अगर यहां पर देखेंगे तो ये आपको भिन्न, देखिए चीजों को समझेंगे तब समझ में आती है चीजें, यहां देखेंगे 60 दिन, यहां देखेंगे 60 दिन और यहां क्या है 30 दिन, यहां देखेंगे साधारण, यहां देखेंगे साधारण और यहां क्या है विशेष बहुमत, तो पहले यह भी साधारण था और जो प्रक्रिया इसमें थी वही प्रक्रिया इसमें भी थी, ये सब बदला गया है, ठीक है। तो क्या किया गया कि 2 माह से घटाकर 1 माह कर दिया गया। और क्या किया गया कि इसकी निरंतरता, हमने कहा ना कि कब तक चलेगा, तो यह हुआ कि 6-6 माह पर अनुमोदन कराते जाइए और जब तक चलाना है तब तक चलाइए राष्ट्रीय आपात को। अब इसको क्या कर दिया गया, पहले क्या था कि पहले यह था कि एक बार पास करो और अनिश्चित काल के लिए, एक बार जैसे ही दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हुआ वैसे ही हो गया तो हो गया, अब राष्ट्रपति जब चाहेंगे तभी हटेगा, जैसे वित्तीय आपात में है। लेकिन यह 6-6 महीने की जो व्यवस्था आई, जिसको मैंने कई बार बताया, यह भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आई, साधारण बहुमत पहले था,
विशेष बहुमत कब आया? 44वें संविधान संशोधन से आया कि नहीं भैया साधारण बहुमत से नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें पूरा मूल अधिकार सस्पेंड कर रहे हैं आप लोग, ये छोटी चीज नहीं है नेशनल इमरजेंसी, विशेष बहुमत में करिए। तो विशेष बहुमत किया गया। इसके अलावा क्या किया गया कि अगर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को, जबकि लोकसभा सत्र में हो, लोकसभा चल रही हो तब, और अगर लोकसभा नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति को इस संबंध में यानी नेशनल इमरजेंसी के संबंध में लिखित सूचना दें कि हम चर्चा करना चाहते हैं इस विषय पर, तो 14 दिन के अंदर चर्चा हेतु सदन की विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान है। तो भले ही दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इमरजेंसी का प्रस्ताव पारित हो गया हो, लेकिन कभी भी अगर लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 10% यानी कुल 54-55 सांसद एक लिखित प्रस्ताव दें कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को दें अगर सत्र में लोकसभा हो तो, और नहीं सत्र में हो तो राष्ट्रपति को दें, तो 14 दिन के अंदर चर्चा हेतु सदन की विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान कर दिया गया है कि नहीं बुलाना ही होगा, चर्चा तो इस पे होगी ही होगी, ठीक है, और वहीं पर वोटिंग भी हो सकती है। और क्या किया गया, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसे वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति इसे लेने हेतु बाध्य हो जाएंगे वापस लेने हेतु। तो लोकसभा, केवल लोकसभा की बात हो रही है, केवल लोकसभा अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि नेशनल इमरजेंसी को वापस लेना है तो राष्ट्रपति ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये तो मेरा डिसीजन है और इस तरह की बात, उन्हें वापस लेना पड़ेगा। और क्या किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण और देहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया, क्योंकि बिना कोई आधार बनाए इंदिरा गांधी ने देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे, पहले क्या था, सब निलंबित हो सकते हैं, सारे मूल अधिकार। और क्या किया गया, और एक बात, यह 44वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1976 में बना, यह इंदिरा गांधी के समय बना, इसमें एक प्रावधान यह किया गया कि ये जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी है, इसकी घोषणा संपूर्ण भारत में की जा सकती है या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई तो पूरे राष्ट्र के लिए ही होगी, बल्कि किसी राष्ट्र के एक भाग के लिए भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि पाकिस्तान के तरफ से आक्रमण हो रहा है और उससे लगी हमारी सीमाएं उससे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, तो उतने ही क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है, ठीक है, पूरे राष्ट्र में नहीं। पहले क्या था, पूरे राष्ट्र में ही आपात लगेगा एक बार में ही, नेशनल इमरजेंसी, तभी तो कहा गया राष्ट्रीय आपात। लेकिन अब यह प्रावधान कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कि पूरे भारत में भी लगा सकते हैं और भारत के किसी एक हिस्से में भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर कर लीजिए, ठीक है, तभी ये सारी चीजें समझ में आपको आएंगी, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे अभी बताइए। अब बात करते हैं ये राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होता है, ठीक है, तो इफेक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी की, इसे समझना है। तो देखिए, केंद्र सरकार किसी भी विषयों पर राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, अर्थात राज्य केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया ना कि भारतीय संविधान का जो ढांचा है, भारतीय शासन का जो ढांचा है वो क्या है, संघीय है। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है वैसे ही क्या हो जाता है कि ये एकल स्वरूप अपना लेता है, यानी सारी शक्ति केंद्र में निहित हो जाती है। तो वही लिखा है, केंद्र सरकार किसी भी विषय पर राज्य सरकारों को निर्देश
दे सकती है, अर्थात राज्य केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, अर्थात राज्य केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। यह संसद की विधायी शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। तो ये जो लिखा गया है राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे, केंद्रीय सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, वो सारी बातें डब्बे में बंद कर दी जाती हैं। इमरजेंसी के समय क्या होता है कि संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है और संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, साथ ही राष्ट्रपति राज्य सूची से जुड़े हुए किसी भी विषय पर अध्यादेश ला सकते हैं। तो यह हो जाता है, एक सेंटर में पावर को निहित किया जाता है ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए। इसमें एक बात और जान लीजिए कि जैसे हम देखेंगे कि जब राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है तो विधानसभा या विधानसभा वहां की भंग हो जाती है, लेकिन ऐसे जब ये नेशनल इमरजेंसी लगती है तो विधानसभाएं नहीं भंग होती हैं, वो अपने प्रक्रिया के अनुसार ही चलती हैं। लेकिन अगर आवश्यक होता है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाए तो केंद्र कानून बनाता है। अगला, राष्ट्रपति संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के आवंटन संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन या उपांतरण यानी मोडिफिकेशन का आदेश दे सकते हैं। और क्या होता है, भाग तीन द्वारा प्रदत्त सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय अनुच्छेद 20-21 के। भाग तीन द्वारा प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय अनुच्छेद 20-21 के। इसमें भी अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो 19 भी नहीं जाएगा, 19 भी रहेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा वो हमने अभी बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ अनुच्छेदों की बात हम करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम बात करना चाहते हैं अनुच्छेद 358 यानी आपातकाल में अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। तो जैसे ही आपातकाल लगता है यानी देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है, वैसे ही अनुच्छेद 19 अपने आप क्या होता है, निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित होता है। और जैसे ही इमरजेंसी को हटाया जाता है वैसे ही ये अपने आप जीवित होता है, ठीक है, वो तुरंत आ जाता है, ये प्रक्रिया है। अब तो ये आर्टिकल 358 केवल बात करता है किसकी, 19 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनकी बात कर रहा है। लेकिन 359 किसकी बात करता है, आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। तो यहां पर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है वैसे ही अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन अन्य जो भाग 3 में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है उसमें से अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके उसको तो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अन्य जितने भी अनुच्छेद हैं 20-21 और 19 को छोड़ करके उनको लागू करवाने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करना पड़ता है, ठीक है। और ये मूल अधिकार यानी 19, 20 और 21 को छोड़ करके ये जो मूल अधिकार हैं इनका प्रवर्तन केवल निलंबित होता है, ये मूल अधिकार नहीं निलंबित होते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है 359 की बात, आर्टिकल में ये लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए इस लेक्चर में हमने नेशनल इमरजेंसी की बात की, इसके साथ ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात से जुड़े भी प्रावधानों को हमने समझा। बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पता चली, लेकिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये एक बड़ा मुद्दा है और प्रश्न भी बहुत तरीके से अब पूछे जा रहे हैं, इसलिए
उसे हम एक अलग लेक्चर में देखना चाहते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को और वित्तीय आपात को। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।